हाय, आज हम बनाएंगे चिकन कप्सा बिरयानी। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। डीप वेजल लेंगे जिसमें मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाए फ्लेम को मैं सिम पे रख लूँगी। इसमें 2 बे लीव्स, अब बिरयानी के जो भी मसाला होते हैं, 6 काली मिर्च, 1 इंच चकला, स्टार एनास फ्लावर, सारे हम डालेंगे। 1/2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें 1/2 कप स्लाइस किए हुए ऑनियन डालेंगे। जब ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो जाए हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हम सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे ही कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक। एक बार फिर से मिला लेंगे। मैं यहाँ पर 1/2 kg चावल ले रही हूँ, 3-4 kg चिकन ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे धोकर रखा हुआ चिकन। इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लीजिए, यही ये बिरयानी की खासियत है। अब इसको कवर करेंगे और 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे सिम पे। 5 मिनट्स के बाद इसमें 1/2 कप टमाटर डालेंगे। अब फिर से एक बार इसको अच्छे से मिलाकर 2 या 3 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। 3 मिनट्स के बाद टमाटर गल चुके। अब इसमें हम टमाटो प्यूरे डालेंगे, 5 बड़े टेबलस्पून डालेंगे। अब फ्लेम को मैं मीडियम पे रख लूँगी और इस तरह चलाते हुए बिना कवर किए 2 से 3 मिनट तक इसको पका लूँगी। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे 2 कप्स पानी। फ्लेम को हाई पे रख लेंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसको फिर से सिम पे रखेंगे और एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स तक, या फिर जब तक चिकन नरम पक ना जाए तब तक इसको पकाएंगे सिम पे उबाल आने के बाद कवर करके। देखिए, यहाँ पर ये उबाल आने लगा है। अब मैं स्टोव को सिम पे रखने वाली हूँ। सॉरी, मैंने 2 कप पानी बोला था, 2 नहीं, मैं 6 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने 4 कप्स लिया हुआ है। ये वाटर जो आप देख रहे हैं, मैं चावल को सोक किया हुआ वाटर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए, इस तरह से अगर पीस आसानी से निकल जाए तो पक चुका। अब इसको हम एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम अपना सोक किया हुआ चावल डालेंगे। एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए आप सोक कर लीजिए। अब एक बार मिला लेंगे। आप इस टाइम पे वाटर को ज़रूर टेस्ट कर लीजिए, ज़रूरत हो तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसीनेस चाहते हैं तो इस टाइम पे गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब फ्लेम को हाई रख लेंगे, जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए तब तक इसको कवर करके पकाएंगे। जब तक चावल पक रहा होता है हम दूसरे पैन में 1 टेबल स्पून घी गरम कर लेंगे। अब इसमें जो बादाम हमने छिलका निकाल कर रखा था, आप चाहे तो छिलके वाले भी ले सकते हैं, और थोड़े से काजू हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। बादाम को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा था। अगर आपको ओवरनाइट सोक करने का याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट के लिए गर्म पानी में बादाम को उबाल लीजिए और उसके बाद ठंडा होने के बाद छिलका भी निकाल सके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है। अब उसी घी में हम अपना जो चिकन निकाल कर रखे थे इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल या फिर घी इस टाइम पे डाल सकते हैं ज़रूरत लगे तो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून। अब इसको हम टर्न करते हुए दोनों तरफ क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम पकाएंगे बिना कवर किए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा वाटर एवोपरेट हो गया। अब हम फ्लेम को सिम पे रख लेंगे, इवन से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। आप चेक कर लीजिए, दाने को कट करके आसानी से कट हो गया, तो 80% पक चुका। अब इसको सिम पे हम एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए कोई भी इस तरह से हैवी वेजल रख के पका लेंगे। 15 मिनट्स के बाद देखिए इस तरह से ये पक गया। अब इसमें हम थोड़े से किशमिश डाल देंगे और कवर करके एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए बिना डिस्टर्ब किए इसी तरह रख लेंगे। इस तरह से हम बाउल में डालेंगे और क्रिस्पी किया हुआ चिकन इस तरह से हम रख लेंगे। सर्व करने से पहले जो काजू और बादाम को हमने तल कर रखा था इस तरह हम सर्व कर लेंगे। आप इसको दालचा, जो आंध्रा का खट्टी दाल है, वो आप देख सकते हैं खलिया हमारे लिंक में, रायता और सलाद, इसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं।
ट्राई जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. प्लीज़ लीव योर अवेलेबल कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.